हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र की 2021 की सीरीज चल रही है गाइस। इसमें हम कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो कि है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। और एक दो चैप्टर और बचे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक और है, तो उसके बाद हम लोग ये ख़त्म करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। और गाइस, कल कोई मेरी वीडियो आई नहीं थी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर प्राचीन भारत का इतिहास। तो फ्रेंड्स, एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो, हमने पढ़ा था खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर। ओके, तो वैसे खजुराहो के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। खजुराहो देखिए गाइस कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसमें लिखा है मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला है, छतरपुर जिले में क्या है, खजुराहो में क्या है, कौन से राजा, चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का व्याख्यान कर रहे हैं। ठीक है, किसका, चंदेल स्थापत्य की बात हो रही है, खजुराहो की बात हुई है जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसने कहा कि ये मंदिर जो है ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थरों से बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी गाइस हम कहाँ की बात करें, देखिए हम एमपी की बात करें तो एमपी में कहाँ पे कौन सा जिला है, छतरपुर जिला है, और हम बात कर रहे हैं खजुराहो की। किन पत्थरों से बना है, ग्रेनाइट लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और इन मंदिरों का क्या है, निर्माण जो है वो आपका कब हुआ है, 950 से 1050 ईस्वी के बीच किया गया है। और यहाँ के जो मंदिर है वो कंदरिया महादेव मंदिर, मतलब यहाँ के मंदिरों में क्या है, जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो सबसे ज़्यादा क्या है, सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, और इस मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया, विद्याधर ने करवाया था, क्या 11वीं शताब्दी की बात है, विद्याधर ने करवाया था। और खजुराहो में क्या है, 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितने मंदिर गए, तो 85, और उसमें ये मंदिर जो है वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों हम खजुराहो की बात कर रहे हैं जो कि एमपी में है, एमपी छतरपुर में है। ठीक है, यहाँ के जो मांतगेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और ये मंदिर जो है संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ, कब हुआ है, राजा धंग के काल में, कौन सा मंदिर, मांतगेश्वर मंदिर। ठीक है, इन मंदिरों का निर्माण शैली कौन सी है गाइस, हमने तीन शैलियां पढ़ी थी, नागर, बेसर और द्रविड़ शैली, जिसमें कि जो यहां बात करी गई है नागर शैली, जो कि उत्तर भारत में नागर शैली में है। द्रविड़ शैली जो है आपकी दक्षिण भारत में इस शैली में मंदिर बनाए गए हैं। ठीक है, तो नागर शैली में अधिकतर जो मंदिर हैं वो आपके उत्तर भारत में मिलेंगे। तो लिखा है किसी मंदिर में जो है पंचायतन शैली अपनाई गई है। इसमें क्या होता है, पंचायतन शैली में कि एक बड़ा मंदिर बीच में होता है जो मेन मंदिर होता है, और उसके चारों तरफ चार छोटे छोटे मंदिर होते हैं, तो टोटल हो गए 5। तो यही है आपका पंचायतन शैली अपनाई गई है। तो जैन मंदिरों में जो है पार्श्वनाथ मंदिर, कहे थे हमने जब जैन धर्म पढ़ा था तो हमने कहा था उसमें 14 तीर्थंकर होते हैं जिसमें एक हैं पार्श्वनाथ भी। ठीक है, तो पार्श्वनाथ कौन से नंबर के हैं ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि यहाँ के अन्य मंदिर हैं कौन से, 64 योगिनी, ब्रह्मा, दुल्हा देव मंदिर और लक्ष्मण हो गया, आपका विश्वनाथ मंदिर हो गया, जिननाथ का मंदिर आदि। ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई जो हम पढ़ते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, राइट, तो इसमें जो है मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल में क्या क्या है, खजुराहो का मंदिर है। ठीक है, मतलब जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है उसमें एक आपका खजुराहो का मंदिर है, दूसरा आपका देखिए भीमबेटिका की गुफा है, और तीसरा आपका सांची का स्तूप है, और ये तीनों आपको एमपी मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो यहाँ बात हमारी ख़त्म हो गई मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर की, और थोड़े बहुत और हमने देख लिए इसमें। ठीक है, यूनेस्को में कौन कौन है हमने ये भी देख लिया। अब आते हैं दूसरे में लिखा है दशावतार मंदिर, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। ठीक है, और ये मंदिर जो है कब का है, हम बात कर रहे हैं दूसरा है दश अवतार मंदिर, और जो ये मंदिर है वो आपका क्या है, गुप्तकालीन है, प्राचीन भारत में गुप्तकाल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल क्या है, दो उदाहरण उपलब्ध हैं। ठीक है, तो मतलब किसके दो उदाहरण हैं, देखिए एक गुफा चित्रांकन के दो उदाहरण हैं, मतलब गुफाओं की जो दीवारें होती थी उस पर जो चित्र बनते थे उसको बोला गया। ठीक है, तो इसके दो उदाहरण कौन कौन से, एक हो गया आपका अजंता की गुफा
में चित्रांकन हुआ है, और दूसरा हो गया आपका बाघ की गुफा। ठीक है, तो ये गुप्त काल की बात हो रही है, ये नहीं कहा गया कि बस यही दो हैं। ठीक है, गुप्त काल में ये दो हैं, अजंता और बाघ की गुफा, जिनकी तिथियां क्या है, गुप्तकालीन है। ठीक, इस इन गुफाओं के चित्र जो है लोक जीवन से संबंधित हैं, और अजंता गुफाओं के चित्र जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है माउंट आबू का, इस माउंट आबू का है, यह है राजस्थान में। तो माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये आ गया आपका तीसरा। ठीक है, तो तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो हो गया आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या है, किसका बना हुआ है गाइस, ये संगमरमर का बना हुआ है, और इसका जो निर्माण है गुजरात के चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम ने के सामंत थे, उनका नाम था विमल शाह ने करवाया था। और ये जैन मंदिर जो है अपनी क्या है, नक्काशी और सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर से हम देखते हैं कौन सी, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर राइट, कहाँ पे है आपका, माउंट आबू में है। ठीक है गाइस, तो ये किससे बना है, संगमरमर से बना है, किसने बनवाया है, चालुक्य या सोलंकी शासक हैं भीमदेव प्रथम। ठीक है, उनके जो सामंत है जिनका नाम है विमल शाह, ठीक है, इन्होंने बनवाया है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर। अभी हमने कौन सा पढ़ा गाइस, अभी हमने पढ़ा दिलवाड़ा जैन मंदिर, अब हम पढ़ेंगे पाली ताड़ा का पवित्र जैन मंदिर। ये बहुत ही सब आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसके नोट्स बनाइएगा। ऐसे लिखिए कि पाली ताड़ा का जो है पवित्र जैन मंदिर कहाँ है, गुजरात भावनगर जिले में है, और शत्रुंजय पहाड़ी पर ठीक है अवस्थित है। बट ये तीन चीज बस आपको क्या याद रखना है, आपको लिखना है पाली ताड़ा का पवित्र जैन मंदिर, आगे लिख दीजिए कहाँ जगह का नाम है, भावनगर, भावनगर जिला गुजरात में है, और उसके बाद लिखा है किस पहाड़ी पे, तो शत्रुंजय पहाड़ी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा। चलिए हम यहाँ बात करेंगे गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफा, बहुत सारी गुफाएं हैं, एक एक करके हम सबका देखेंगे। तो यहाँ बात है एलिफेंटा की गुफा, तो दोस्तों एक मिनट, ओके, तो एलिफेंटा की गुफा मंदिरों का निर्माण क्या है, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया है। ठीक है, ये आपके कहाँ पे मिलते हैं राष्ट्रकूट शासक गाइस, ये मिलेंगे आपको पश्चिम भारत में। ठीक है, यहाँ से कुल जो है 7 गुफाएं मिलती हैं, जिसमें से 5 गुफा गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब इस जिसमें क्या है हिंदू धर्म, और उसमें भी क्या है शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं, और साथ ही 2 जो है बौद्ध गुफाएँ भी हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी मतलब जो एलिफेंटा की बात हो रही है, 7 गुफाओं की बात हुई, राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाए हैं, 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, हिंदू धर्म यानी कि शिव से संबंधित हैं। ठीक है, और 2 जो है आपकी बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, इन गुफाओं का निर्माण काल जो है 5वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी है, और यहाँ से पवित्र जो है आपको त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली है। क्या शिव का है, और यहाँ पर क्या मिली है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा, एलिफेंटा गुफा की बात हो रही है। ठीक है गाइस, और आगे बढ़ते हैं एलोरा, एलोरा कहाँ पे है गाइस, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, एलोरा भी गुफा है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगी आपको, अभी हमने एलिफेंटा पढ़ी, दूसरी हम एलोरा देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद जिले में है, और ये शैलीकृत गुफा मंदिर के लिए जो है जग प्रसिद्ध है। शैलकृत का मतलब गाइस, शैल मतलब होता है शिला पत्थर। ठीक है, तो जो होती है पत्थरों की गुफा है, और उसके अंदर मंदिर बना हुआ है। ठीक है, मतलब गुफाओं को मतलब जो है पत्थरों को काट काट के गुफाएं बनाई गई हैं, और उसके अंदर तो ये सब गुफाएं हैं। इसमें लिखा है 34 शैलकृत गुफाएं हैं, और ये जो है गुफाएं विभिन्न कालों में बनाई गई हैं, मतलब ऐसा नहीं है एक साथ, अलग अलग काल में बनाई गई हैं जैसे। और उसमें क्या है आपकी कितनी टोटल है, 34 है। तो 34 में गाइस अगर हम बात करें कि गुफा नंबर 1 से लेकर 12, तो वहाँ वो किससे संबंधित है, बौद्ध से। ठीक है, बौद्धों से संबंधित है। अब अगर हम बात करें कि गुफा नंबर 13 से लेकर 29 जो है हिंदुओं से संबंधित है, और जो 30 31 32 से लेकर 34 तक जो है आपका जैनियों से संबंधित। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा इसमें, एलोरा में, एलोरा कहाँ पर, औरंगाबाद में। ठीक है गाइस, तो इसमें लिखा है कि ये 37 सेलकृत गुफाएँ हैं, जिसमें से 1 से 12 बौद्ध, और 13 से 29 तक जो है आपका हिंदुओं, और ये हो गया आपका जैनियों से संबंधित है, और जो थोड़े थोड़े अंतराल पर बनी है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ना, कौन सा है, कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। अब यहाँ लिखा है कि देखिए एलोरा में ही कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे कैलाश मंदिर हो गया। अब लिखा है कि जो द्रविड़ शैली के इस, देखिए द्रविड़ शैली गाइस कहाँ पे, हमने कहा जो दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बनाए गए हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, तो द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया है, फिर वही आया आपका जब हमने गाइस यहाँ पे पढ़ा था एलिफेंटा जब हमने पढ़ी थी, तो भी हमने देखा राष्ट्रकूट शासक। ठीक है, अब हम पढ़े हैं एलोरा में भी देख रहे हैं हम, ये किसने बनवाया, राष्ट्रकूट शासकों में से भी किसने, एलोरा
कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, तो देखिए हमने दो पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया एलिफेंटा पढ़ लिया हमने, और उसके बाद हमने देख लिया एलोरा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा पश्चिम भारत में, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफा और कौन सी है गाइस? अभी हमने एलोरा तो पढ़ लिया, नासिक है जो कि आपका महाराष्ट्र में मिलेगी, एलोरा महाराष्ट्र में मिलेगी, अजंता महाराष्ट्र में मिलेगी, तीनों ये तीनों जो स्थल है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नासिक की बौद्ध गुफा जो है सुविख्यात है, और पांडव लेनी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, मतलब जो नासिक वाली ये बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है राष्ट्रकूट शासक। अभी तक हमने जिनके बारे में जो जिन शासकों ने गुफाएं बनवाई वो राष्ट्रकूट ही थे। तो राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो जो है ब्राह्मण धर्म का क्या था? महत्व था। कौन से धर्म का गाइस? उनके टाइम में महत्व था ब्राह्मण धर्म का था, किंतु जो है जो ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म जो का जो है अधिक प्रचार प्रसार हो रहा था। ठीक है, इसे क्या है? राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था गाइस। राजकीय संरक्षण क्या था? जो राजा होता है वो इनके जो अनुयायी होते हैं या इनका जो प्रचार करने वाले होते हैं या जो भी संप्रदाय है गाइस उसका क्या करते हैं? उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, प्रचार प्रसार में साथ देते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, राजकीय संरक्षण हो गया। ठीक है, अब राष्ट्रकूट शासक कौन है? अमोघ वर्ष का जो गुरु था क्या नाम था? जैनाचार्य जिनसेन था। कौन था? जैनाचार्य जिनसेन, जिसने क्या है आदि पुराण की रचना की है। कौन? हम बात कर रहे हैं अमोघ वर्ष, उनके गुरु जैनाचार्य जिनसेन। ठीक है, इन्होंने क्या किसकी रचना करी है? इन्होंने रचना करी है आदि पुराण की। तो उस समय जो है शासकों और सामंत के साथ साथ जो सेनापति है सेनापति पदों पर भी अनेक जो है जैन धर्मानुयायियों की जो मतलब आ जाते हैं। ठीक है, कि क्या हो क्या किया जाता है, नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो ब्राह्मण धर्म तो था ही, उससे ज़्यादा जो है क्या हो रहा था, जो प्रचार प्रसार सबसे उससे अधिक किसका हो रहा था? जैन धर्म का हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम बात करते हैं राष्ट्रकूट शासकों की, आगे बढ़ते हैं गाइस। बड़ा चैप्टर नहीं है, दो पार्ट में ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखा है, अब हम आते हैं फिर से एक गुफा है जिसका नाम है अजंता की गुफा। ठीक है, इसको भी क्या है? वाकटक। हाँ देखिए, हमने पढ़ा था जब गुप्तोत्तर काल पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था वाकटक, वाकटक वंश पढ़ा था। तो वाकटक के अधीन क्या है? राजकीय संरक्षण मिला हुआ था, जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। ठीक है, सॉरी जागीरदारों द्वारा निर्मित कराई गई थी। ठीक है, अब लिखा है अजंता की जो गुफा है, गुफा संख्या जो 16 है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चित्र किस चीज़ का है? तो वो है मरणासन राजकुमारी का चित्र सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा गाइस, क्वेश्चन आ चुका है कि गुफा नंबर 16 क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इसीलिए है किसकी? अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें गुफा नंबर 16 मरणासन राजकुमारी का चित्र है। ठीक है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और इस चित्र की प्रशंसा करते हुए क्या लिखा है? ग्रिफिथ वर्गेस फर्गुसन ने कहा क्या? करुणा भाव अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से ये चित्र कला के इतिहास में क्या है? अतिक्रमणीय। ठीक है, मतलब बहुत ही उत्कृष्ट है ये। ठीक है, अब हम बात करें गुफा नंबर 16 को वाकटक शासक जो है हरिशेण के मंत्री थे वराहदेव, वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। ठीक है, यही गुफा नंबर 16 जिसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है, और इसी को क्या हुआ था? जो हरिशेण है उनके जो मंत्री हैं जिनका नाम है वराहदेव, उन्होंने क्या किया था? जो बौद्ध संघ था उसको दान में दे दिया था। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में जो है प्रथम स्थान रखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है इस गुफा में अनेक प्रकार के जो है, अब किस चीज़ के चित्र बने हैं? फल जो फूल पत्ती हो गई, वृक्ष हो गए, पशुओं की आकृति, सजावट, बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाओं के चित्रण हैं। ठीक है, जात मतलब जो चित्रण है उसमें जो है जातक कथाओं से ली गई कहानियों का वर्णन जो है वर्णात्मक दृश्य के रूप में उपयोग किया गया। मतलब आपको क्या क्या मिलेगा? फूल पत्तियाँ मिलेंगी, वृक्ष मिलेगा, पशु मिलेंगे। ठीक है, पशुओं की आकृति मिलेगी, फिर बुद्ध और जो बोधिसत्व की प्रतिमाओं के चित्रण में क्या होगा कि जो जातक कथाएं होती थी उसका पूरा का पूरा दृश्य मिलेगा बना हुआ। ठीक है, और ये जो चित्र है वो अधिकतर क्या है? जातक कथाओं को दर्शाता है। हम बात कर रहे हैं अजंता की गुफा में। ठीक है, और उसकी जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं अधिकतर। ठीक है, आपको बुद्ध के बारे में मिलेगा, बोधिसत्व के बारे में मिलेगा, उसके अलावा आपको देखिए क्या क्या मिला, जातक कथाएं उनकी मिल रही हैं प्लस, और उसके बाद आपको ये फूल पत्ती वृक्ष पशु वशु इन सब के चित्र भी मिल रहे हैं। ये हो गई आपकी जनता की गुफाओं की बात। अब हम बात करेंगे पुरी गई, पुरी का है ये है उड़ीसा में, राइट। तो पुरी पुरी स्थित जो है कोणार्क, कोणार्क का विशाल क्या है? सूर्य मंदिर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं गाइस, इसमें जितने भी मंदिर हैं सारे
क्वेश्चन आए हुए हैं और कोई बहुत टफ नहीं है, आप इसके नोट्स बनाएं तो सब कुछ ईजी लगने लगेगा। तो जो है सूर्य देव का जो मंदिर है वो क्या है, नरसिंह देव वर्मन प्रथम चौकगंग ने बनवाया था। ठीक है, तो हमने क्या बात करी, पुरी, पुरी कहाँ है आपका, उड़ीसा में। तो वहाँ का कोणार्क का विशाल कौन सा सूर्य मंदिर की बात हो रही है यहाँ पे, किसने बनवाया था, नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, दो तीन चीज़ें पढ़ी। अब ये कब बना, 13वीं शताब्दी में बना है। ठीक है, अब इस मंदिर का जो आधार है क्या है, इसका जो आधार है मतलब ये जिस पे बना है वो आधार क्या है, विशाल चबूतरा है, मतलब एक बड़ा सा चबूतरा बना दिया होगा जिसके ऊपर ये मंदिर बना है। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए, मतलब आप अपने माइंड में क्या लेके चले, आप रथ, एक रथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रथ में क्या होता है, आगे घोड़े होंगे, उसमें पहिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वही सारी चीज़ आप यहाँ देखेंगे। तो इसमें क्या लिखा है कि इसके चारों ओर पत्थर के तराशे हुए क्या है, 12 पहिए, मतलब एक साइड 6 होंगे, एक साइड 6 होंगे। ठीक है, और क्या है, सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए क्या है, चबूतरे के सामने क्या है, सीढ़ियाँ हैं, और इसमें 7 अश्व यानी 7 घोड़े, घोड़ों की स्वतंत्र मूर्तियाँ लगी हुई हैं, मतलब ये पूरा रथ है जिसमें 7 घोड़े हैं, पहिए लगे हुए हैं, रथ के जैसा मंदिर बना हुआ है। तो 7ों अश्व जो है रथ को खींच रहे हैं, ऐसा पता, ऐसा लगता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको क्या बोला गया, तो उसको जो है काला पैगोड़ा कहा जाता है। ठीक है, काला पैगोड़ा भी कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा 1984 में जो है इसे विश्व धरोहर जो सूची है यानी कि स्थल घोषित कर दिया गया है। तो हमने अभी क्या पढ़ा गाइस, हमने पढ़ा कोणार्क का सूर्य मंदिर, हम बात करेंगे एक रथ मंदिर है ये, दूसरा कोणार्क का है गाइस, यहाँ ये है आपका पुरी में, पुरी का है उड़ीसा में, राइट, और ये यूनेस्को में भी आ जाता है और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी आ जाता है, और ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, काला पैगोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मंदिर हम देखते हैं, इसमें लिखा है लिंग राज मंदिर, गाइस ये है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर वहाँ पे स्थित है, लिंग राज मंदिर का की बात हो रही है। तो इस मंदिर की जो शैली है गाइस कौन सी है, नागर शैली, हमने कहा उत्तर भारत में जो मंदिरों की शैली है वो नागर शैली बनाई में बनाए गए हैं मंदिर, तो नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है, हम बात कर रहे हैं लिंग राज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर। तो इसमें सबसे आकर्षक भाग क्या है गाइस, इसका शिखर है। ठीक है, कितना ऊंचा है, 180 फीट ऊंचा है। अब आते हैं हम जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, तो हमने लिंगराज मंदिर देख लिया, अब हम बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर, ये कहाँ है, पुरी में है, उड़ीसा में ही है, और हमने कहा उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में है, यानी अगर आप उड़ीसा में बात करेंगे, उड़ीसा के मंदिरों की बात करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, नागर शैली में ही है। फिर है अब आता है, ये हो गया आपका एक, ये हो गया आपका दूसरा, हम तीसरा पढ़ेंगे मोटेरा, मोटेरा, ठीक है, मोटेरा का सूर्य मंदिर, ये गाइस कहाँ पे है, ये है आपका गुजरात में, और इसका जो निर्माण है 11वीं शताब्दी में किया गया है, किसने, सोलंकी वंश के जो राजा हैं वो कौन है, भीमदेव प्रथम द्वारा करवाया गया है। ठीक है, तो हमने तीन तो इस पैराग्राफ में पढ़ लिए, तीन मंदिर, एक हमने पढ़ा लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में है, एक हमने पढ़ा जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी उड़ीसा में है, और एक हमने पढ़ा मोटेरा का सूर्य मंदिर जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखा है अंकोवाट, अंकोवाट मंदिर। ठीक है, तो गाइस ये जो है थोड़ा भारत से बाहर है ये मंदिर, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्लस ये क्या है, देखिए कहाँ पर है, कंपुचिया, कंपुचिया क्या है, जो आज हम कंबोडिया बोलते हैं ना गाइस, आपका ये कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपका, ये मिलेगा आपका साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, जो आपका कंबोडिया कहाँ मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो कंबोडिया जिसे पहले क्या बोला जाता था, कंपुचिया। ठीक है, यहाँ के जो शासक है सूर्य वर्मन द्वितीय द्वारा जो है 12वीं शताब्दी में कहाँ बनवाया गया, उनकी जो राजधानी थी यशोधरपुर, यानी कि वर्तमान में इसको बोला जाता है अंगकोर में बनवाया गया। ठीक है, तो विष्णु को समर्पित ये कौन सी शैली में है, ये है द्रविड़ शैली में बनाया हुआ। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर विश्व में कहाँ पे है, तो गाइस यही है कंबोडिया यानी कि कंपुचिया में है। कौन सा है, अंकोरवाट मंदिर है, किसने बनवाया है, वहाँ पे जो शासक थे सूर्य वर्मन द्वितीय ने बनवाया है, 12वीं शताब्दी में बनवाया है, अपनी राजधानी यशोधरपुर या अंगकोर में बनवाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक मंदिर जो भारत से बाहर है वो है बोरोबुदुर, राइट, तो लिखा है बोरोबुदुर का जो प्रख्यात स्तूप, क्या लिखा है यहाँ पे, इंडोनेशिया के जावा द्वीप, हम जानते हैं कहाँ पे गाइस, नीचे की तरफ है, बिल्कुल ही साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है, जावा द्वीप पर स्थित है, ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है।
ठीक है, कौन सा वाला है? बोरोबुदुर। गाइस हमने दो मंदिर पढ़ लिए हैं जो कि भारत के बाहर हैं, जिसमें सबसे बड़ा है अंकोर वाट मंदिर है जो कि आपका कंबोडिया में, कंपोचिया में, राइट। और जो दूसरा है वो है बोरोबुदुर मंदिर। बोरोबुदुर का कहाँ था है? जावा आइलैंड पे है। जावा आइलैंड कहाँ पे? आपका इंडोनेशिया में, ठीक है। ये भी आपकी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उस पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है पांड्यों के राजकाल, ठीक है। यहाँ लिखा है आपका पांड्यों के राजकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। देखिए पांड्य कहाँ थे गाइस? ये आपके दक्षिण भारत में थे। और मैंने कहा जो दक्षिण भारत है वहाँ पे जो शैली चल रही थी वो द्रविड़ चली थी, और उत्तर भारत में आपकी नागर शैली चल रही थी। और बीच में अगर हम बात करें, दक्षिण और उत्तर के बीच में बात करते हैं, तो वहाँ पर बेसल शैली चल रही थी। बेसल शैली क्या होता है? मिक्सचर होता है किसका? नागर और द्रविड़ शैली का, ठीक है। तो अब हम बात करें पांड्यों की, तो ये दक्षिण भारत में, तो ऑब्वियसली यहाँ जो शैली चलेगी वो द्रविड़ शैली है, ठीक है। तो इस काल में जो है मंदिर जो है छोटे होते थे, किंतु उनके जो प्रांगण होते थे, प्रांगण के चारों ओर क्या है, अनेक प्राचीर बने होते थे, ठीक है। ये प्राचीर जो सामान्यता होते थे किंतु इसके प्रवेश द्वार, जिन्हें क्या बोला जाता था? गोपुरम। गोपुरम कहा जाता था, भव्य और विशाल होते थे और प्रचुर मात्रा में जो है शिल्पकारित से अलंकृत होते थे, ठीक है। मतलब इसने ये बोला जो आपका द्रविड़ शैली में मंदिर होते थे उसमें क्या होता था, यहाँ पे होता था प्रांगण। गाइस ये प्रांगण, मान लीजिए कि ये मंदिर है प्रांगण, और इसके चारों तरफ क्या है आपका? बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। और गोपुरम क्या होता था? जो यहाँ पे एंट्री के लिए दरवाजा होता था ना गाइस, वो बहुत ही विशाल सा होता था और इसको हम बोलते थे गोपुरम, ठीक है। ये द्रविड़ शैली की बात हो गई, और ये इंपॉर्टेंट इसका यही है, द्रविड़ शैली में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रांगण यानी कि आप मान लीजिए चारों तरफ की बाउंड्री, और गोपुरम मान लीजिए जो उसका एंट्री का द्वार होता था, ठीक है, एंट्री गेट होता था, वो काफ़ी विशाल बड़ा सा होता था, ठीक है, अलंकृत होता था, ठीक है, उसको हम बोलते थे गोपुरम। ये इंपॉर्टेंट है गाइस, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आज जाए अब हम बात करेंगे मामल्ले शैली, ठीक है। तो मामल्ले शैली का विकास क्या है? नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल, ओके। तो मामल्ले शैली नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुई, ठीक है, इसका जो विकास है। तो इसके अंदर दो जो है स्मारक बने, ठीक है, दो प्रकार के स्मारक बने हैं। एक बना है आपका मंडप टाइप का कुछ बना है, ठीक है, चलिए आगे दूसरा देखेंगे। तो जो मंडप तथा हाँ ठीक है, एकाश्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा जाता है, ठीक है, मंडप और रथ टाइप के मंदिर बने। मंडप टाइप का भी एक मंदिर होगा, दो प्रकार के इसमें लिखे हैं ना, एक मंडप टाइप का होगा, एक रथ टाइप का होगा। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, मामल्ले शैली किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ले, दो टाइप के हैं, मंडप और रथ। एकाश्मक पत्थर का मतलब होता है गाइस एक ही पत्थर है, जोड़े नहीं गए हैं पत्थर, एक ही बड़ा सा पत्थर होगा, उसे ही काट काट के तोड़ तोड़ मतलब जो है तराश के बना दिया होगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है पल्लव काल की राज सिंह, ओके, क्या है? राज सिंह शैली है। तो पल्लव काल की राज सिंह शैली का प्रारंभ जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, राज सिंह, ठीक है। तो अभी हमने इससे पहले क्या देखा था? नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल, ठीक है, यही नाम पढ़ा था हमने इससे पहले। तो उनके में दो आ गया था, एक मंडप टाइप में, एक रथ। अब यहाँ पे पल्लव शैली में लिखा है इसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया, और ने किया था कि तीन मंदिर। अब इनके जो है ना, अभी हमने दो पढ़ लिए, एक हमने पहला वाला पढ़ लिया नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल, देखिए मामल्ले शैली वाला, तो ये तो इसमें था नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल, और इसमें दो हो गया, एक मंडप और रथ, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्या है पल्लव काल में राजसिंह शैली, ठीक है। तो राजसिंह शैली जिसका प्रारंभ किसने किया? राजसिंह शैली का देखिए नाम से ही है, एक थी हमने एक पढ़ा महामल्ल शैली, ठीक है। तो महामल्ल नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल, ठीक है, मामल्ले शैली में। अब दूसरा है आपकी राजसिंह शैली, तो उसमें है नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह, तो इनके एंड में लिखा है, उसमें महामल्ल लिखा था तो मामल्ले शैली, राजसिंह लिखा है तो राजसिंह शैली, ठीक है। अब इसमें लिखा है इनके तीन मंदिर कहाँ मिलेंगे आपको? महाबलीपुरम में मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से तीन मंदिर की बात हो रही है? एक हो गया आपका शोर मंदिर, ठीक है, तटीय शिव मंदिर है ये। दूसरा हो गया आपका ईश्वर मंदिर, तीसरा हो गया आपका मुकुंद मंदिर, ठीक है, तीन हो गए। एक शोर मंदिर हो गया, ईश्वर मंदिर हो गया आपका, गाइस मुकुंद मंदिर हो गया। तो शोर मंदिर इस शैली का जो है प्रथम उदाहरण है, मतलब जो इस शैली में बनाया गया सबसे पहला मंदिर कौन सा हो गया गाइस? आपका शोर मंदिर। आगे बढ़ते हैं,
फिर महाबलीपुरम, अभी जिसमें आपने क्या है राजसिंह शैली के मंदिर देखे, तो महाबलीपुरम में क्या है रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया। रथ मंदिर यानी कि जो मंदिर रथ टाइप के बने होंगे, ठीक है। तो ये क्या एकाश्मय पत्थर से निर्मित है, इसका मतलब ये हो गया कि एक ही पत्थर को तरास के बनाए गए हुए ये सारे मंदिर हैं। फिर लिखा है पल्लव कालीन जो है मामल्य शैली, जो हमने पहली पढ़ी मामल्य शैली, दूसरी हमने पढ़ी राज सिंह शैली, ठीक है। तो जो मामल्य शैली में हमने दो देखा था, मंडप टाइप के थे और एक रथ टाइप के थे, ठीक है। अभी रथ की बात हो रही है, तो लिखा है महाबलीपुरम में जो है रथ मंदिरों का निर्माण हुआ, पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया, एकाश्मक पत्थर से निर्मित है और मामल्य शैली में बने रथों या एकाश्मक मंदिर में धर्मराज रथ सबसे बड़ा, ठीक है। अब इसने कहा कि जो भी मंदिर थे यानी कि रथ टाइप के जो मंदिर थे उसमें सबसे बड़ा किसका है, ये वाला रथ सबसे बड़ा है, धर्मराज रथ सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सा जो है आपका सबसे छोटा है, ये आया हुआ है। तो द्रौपदी रथ सबसे छोटा मंदिर है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का क्या है अलंकरण नहीं है, कोई सजावट नहीं है, ठीक है। और ये जो है सिंह और हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिकी है, मतलब जो इसका आधार है यानी कि नीचे जिसके ऊपर ये मंदिर बनाया गया है उसके नीचे क्या है सिंह और हाथी होंगे, इनके ऊपर क्या है ये मंदिर बनाया गया है किसका, द्रौपदी रथ। और सबसे बड़ा कौन सा है गाइस, धर्मराज रथ, और सबसे छोटा है आपका द्रौपदी रथ। आई होप अब आप लोग को थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है, समझना। अब लिखा है यहाँ पे श्रीनिवासन नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक है, ये भी दक्षिण भारत की बात हो रही है। तो चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ और तंजोर में राज राजेश्वर और बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण जो है राज राज प्रथम के काल में निर्मित हुआ। तो इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया और राज राज के पुत्र जो है कौन है राजेंद्र चोल के शासनकाल में गंगे कोंड चोल पुरम में मंदिर का निर्माण करवाया गया, ठीक है गाइस। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग सोनगिरी, सोनगिरी दतिया एमपी में है, ठीक है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक है। लिखा है यहाँ लिखा है सोनगिरी, क्या लिखा है कि दतिया एमपी से 15 किलोमीटर दूर स्थित है और ये जो है दिगंबर, ठीक है गाइस। जब हम जैन धर्म पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था जो जैन धर्म था या जैन संप्रदाय दो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है, एक था आपका श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। तो यहाँ वही दिगंबर की बात हो रही है। तो ये दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है क्या, सोनगिरी, ठीक है। तो सोनगिरी जो है दिगंबर जैन संप्रदाय के जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे जैनी, तो उनका जो पवित्र स्थल है, ठीक है। तो सोनगिरी के जो चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित हैं और वर्तमान में 77 जैन मंदिर जो है, अब इसने कहा भैया सोनगिरी है, सोनगिरी के चारों तरफ जैन मंदिर ही जैन मंदिर है सफ़ेद। अब इसने कहा जो 77 है वो पहाड़ों पर हैं और 26 जो है वो गांव में है, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसकी टोटल संख्या हो गई वो हो गई 103। तो पहाड़ी पर इससे जो 57वां मंदिर है वो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बात करी गई है सोनगिरी जैन मंदिरों के लिए इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश दतिया जिले के पास ही है, ठीक है। अब इसने कहा जो 77 मंदिर हैं वो आपके पहाड़ों पर है और 26 गांव में है, और जो पहाड़ों पर 77 है उसमें जो 57th है वो किस लिए प्रसिद्ध है, वो चंद्र प्रभु से संबंधित है, भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। टोटल मंदिर 103, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे गए, ये है आपका विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, कर्नाटका के हम्पी में है। हम्पी आपने काफ़ी सुना होगा सोने के लिए, ठीक है, तो यानी कि गोल्ड। तो इसने लिखा है जो ये मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, किसकी बात कर रहे हैं हम, विरूपाक्ष मंदिर की बात कर रहे हैं। और यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जो है जाने जाते हैं, भगवान शिव के लिए है ये, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब इसने फिर वही अभी हम जो पढ़ चुके हैं एक बार, इसने कहा तीन तरह की जो भारत में मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं कौन कौन सी है, नागर द्रविड़ और बेसर शैली। तो जो नागर शैली है हमने बहुत बार बोल दिया है कि ये उत्तर भारत में प्रचलित थी, तो जो उड़ीसा के जो मंदिर हैं वो सब इसी शैली में बनाए गए हैं। द्रविड़ शैली की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण भारत में थी, ठीक है। दक्षिण भारत में भी कृष्णा नदी से जो है कुमारी अंतरीप के
मध्य जो है तमिलनाडु में, कुमारी अंतरी गाइस कन्याकुमारी की बात कर रहा है, ठीक है। कृष्णा रिवर सबसे ही नीचे, उसके बाद ये कन्याकुमारी यानी कि कुमारी अंतरीप की बात करें। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे बेसर शैली। तो जो बेसर शैली है वो जो है आपका, हमने कहा था मिक्सचर है किसका, नागर और द्रविड़ शैली का। यही यहाँ पे लिखा है कि ये नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। फिर लिखा है जो कन्नड़ प्रदेश है के अंतिम जो चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। किसको? बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें। फिर लिखा है पंचायतन शब्द। अब देखिए पंचायतन, हमने कहा पंचायतन मंदिर ऐसे होते थे ना, जो मेन मंदिर होता था वो सेंटर में होता था, उसके चारों तरफ चार छोटे छोटे और मंदिर होते थे गाइस। तो ये हो गया आपके टोटल पाँच मंदिर, इसी के नाम पर इसको बोल दिया पंचायतन, ठीक है। तो पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली को, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर रचना शैली को दिखाता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित क्या वृहत प्रामाणिक हिंदू कोश, ठीक है, के अनुसार जो है पंचायतन एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ चार देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब एक मेन जो होगा वो बीच में है, एक मेन देवता और उसके साथ चार और देवताओं की बात हो रही है, इनका एक समूह है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एक जैसे शिव पंचायतन राम पंचायतन, राइट। तो बद्रीनाथ मंदिर में जो है पांच मूर्तियां हैं। बद्रीनाथ गाइस कहाँ पे है, ये हमारा है उत्तराखंड में, ठीक है। तो बद्रीनाथ मंदिर में क्या है, पांच मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे पांच मूर्तियां होंगी, एक सेंटर में होंगी, दो और चार जो है उसके चारों तरफ होंगी, राइट। तो इसको बोला गया है बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसने कहा कि राजस्थान के उदयगिरी में स्थित जो जो जगदीश मंदिर है, शिल्प कला की दृष्टि से क्या है, अनोखा है। किसकी बात हो रही है, जगदीश मंदिर की, राइट। कहाँ पे, राजस्थान उदयपुर में। तो ये मंदिर जो है पंचायतन शैली का ही एक उदाहरण है और चार लघु मंदिरों से परिवृत होने के कारण इसे पंचायतन कहा जाता है। मतलब चारों तरफ चार छोटे छोटे मंदिर हैं और इसकी वजह से इसे पंचायतन कहा जाता है। तो प्रसिद्ध नौमिषारण्य तीर्थ जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ, सीतापुर जिले में स्थित है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, महर्षि जो दधीचि थे उन्होंने देवताओं को अपनी क्या दी थी, अस्थियाँ दान कर दी थी। मतलब उन्होंने अपनी हड्डियाँ जो थी देवताओं को दान कर दी थी। बात हो रही है सीतापुर जिले की, ठीक है। कौन सा तीर्थ है, नौमिषारण्य तीर्थ, ठीक है। अब इससे क्या हुआ था, वज्र का निर्माण हुआ था और देवराज इंद्र ने क्या किया था गाइस, ये इससे जो है दैत्यों का वध किया था। आई होप आपको ये स्टोरी थोड़ी बहुत पता होगी, ठीक है, सीतापुर की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए गाइस यहाँ पे नोट्स हमारे होते हैं ख़त्म, हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन है, 85 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है, तो बाकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। अभी फिलहाल जितने हो सकते हैं हम उतना देखते हैं। तो यहाँ लिखा है खजुराहो मंदिर, सॉरी गाइस, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, ठीक है। तो खजुराहो मंदिर किसके द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा जो है बनवाए गए थे और कहाँ पे है, यह है एमपी की बात हो रही है, एमपी में छतरपुर जिले की बात हो रही है, ठीक है। तो चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का जो है व्याख्यान कर रहे हैं, कब की बात है, ये 1950 से 1050 की बात है। और इसमें जो सबसे सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है वो माना जाता है कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया गया, अभी हमने पढ़ा चंदेल शासकों ने बनवाया था। और किस राजवंश ने भारत को जो है प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए, तो अभी ये फिर वही क्वेश्चन है, चंदेल शासकों की बात हो रही है। फिर ये सेम क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर संबंधित है गाइस। इसमें लिखा है खजुराहो के मंदिर हमने देखा था जो उसमें दो दो एक आपके दो धर्म के लिए था, एक हिंदू धर्म के लिए था और एक आपका जैन धर्म के लिए। तो ये थोड़ा नया क्वेश्चन हो गया बाकी सबसे। तो इसमें लिखा है कि जो इसमें टोटल जो है 85 मंदिर है खजुराहो में, और ये मंदिर जो चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए हैं हमने देख लिया। और इसमें क्या है, वैष्णव शैव शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है, यानी हिंदू धर्म से और जैन धर्म से ही संबंधित है। अब इसमें लिखा है कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइस। खजुराहो का मान जो है मांतगेश्वर मंदिर जो है समर्पित है, किसको, शिव को समर्पित है। ये गाइस हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, ओह तो ये क्वेश्चन अलग है। तो देखिए
दस अवतार मंदिर एक बार हम देखिए, 64 योगिनी है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, और जो है चित्रगुप्त ये आपका खजुराहो में है, ठीक है। अब ये 10 अवतार कहाँ है एक बार इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनफैक्ट हम देख चुके हैं, नोट्स में भी देख चुके हैं। देखा है, 10 अवतार मंदिर जो है आपका देवगढ़ ललितपुर में स्थित है, और ये मंदिर जो है कब का है, गुप्तकालीन है, ठीक है। और कहाँ पे है गाइस, देवगढ़ ललितपुर में है, और जो है शेष सभी मंदिर खजुराहो में है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते फिर यहाँ पे लिखा है, तो अभी हमने पढ़ा है देव 10 अवतार मंदिर, गाइस ये कहाँ पे अभी हमने पढ़ा है, देवगढ़ में पढ़ा। अब हम जब भी सांची का नाम लेते हैं तो हम सांची के स्तूप की बात करते हैं, और बाघ की गुफा है गाइस उसमें हम चित्रकारियों की बात करते हैं। फिर इसमें लिखा है कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति। अब ये बचा हुआ हमारा जो है वो हो गया मथुरा। चलिए आगे देखते हैं क्या हमने ये सही आंसर बताए हैं कि नहीं, ठीक है। चलो ये बात करते हैं, तो हमने बोला कि सांची की जब हम बात करते हैं तो हम सांची के स्तूप की बात करते हैं, बाघ की गुफाओं में गए हम उसके जो दीवार होती है उस पर चित्रकारी की बात करते हैं, 10 अवतार मंदिर अभी हमने देखा देवगढ़ ललितपुर में है, और फिर आता है कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहाँ, मथुरा में। चलिए फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। ओके, तो इसमें लिखा है मांडू। देखिए हमने जितने भी नोट्स पढ़े उसमें क्या हमने देखा, सांची के स्तूप और भीमबेटका की गुफा, ये दोनों आपका विश्व धरोहर सूची में है यूनेस्को की, और खजुराहो के मंदिर, ये इनफैक्ट तीनों ही है, और तीनों कहाँ मिलेंगे गाइस, आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। बचा आपका ये मांडू का महल, ये नहीं है, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए कहाँ है, ये आपका है मध्य प्रदेश में है, ये भी और ये भी, तीनों, और कुछ नहीं है इसमें। इसकी व्याख्या में मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। लिखा है स्वतंत्र आधार में मंदिर का उद्भव गुप्त काल में माना गया है। ओके, ये क्वेश्चन आईएएस का होगा गाइस। ओके, ये राजस्थान का है, तो इसमें लिखा है गाइस, इसका आंसर पहले देख लेते हैं हम लोग, डी है, यानी कि 1, 2, 3 चौथा गलत है, बाकी सारे से। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है स्वतंत्र आधार यानी कि चूना पत्थर के मंदिरों का जो उद्भव है गुप्त काल में माना जाता है, ठीक है। फिर लिखा है इसमें लांखा, जो कि एक क्या है प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबद्ध है, गाइज ये भी सही है। खजुराहो के मंदिर में मंदिरों के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, सही है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्राचीनतम स्वतंत्र आधार का मंदिर है। आइए गाइज इसकी हम थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। अब लिखा है कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों का जो उद्भव है वो गुप्त काल में माना जाता है, ठीक है। फिर लिखा है लाड़खा, जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, दूसरा भी सही पहला भी सही, राइट। फिर खजुराहो के मंदिर में समस्त खंड जो है आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। अब लिखा है जो कांची है वहाँ पर जो कैलाशनाथ मंदिर है वो पल्लवकालीन स्थापत्य है, ठीक है। और ये एक जो मंदिर राजसिंह शैली के क्या है चर मोत्कर्ष का जो है व्यक्त को व्यक्त करता है, कैलाशनाथ मंदिर। राजसिंह शैली पढ़ी थी, मामल्ल्य शैली पढ़ी थी, उसमें ये बात कर रहा है राजसिंह शैली की बात कर रहा है। तो इसमें द्रविड़ शैली के समस्त जो है लक्षण विद्यमान है, और परंतु ये द्रविड़ शैली का सबसे जो प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह के समय प्रारंभ हुआ था, और इसके उत्तराधिकारी कौन है, महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय जो है रचना पूर्ण हुई। तो निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है, तो गाइज इसमें आंसर आता है आपका ग्वालियर का तेली मंदिर। कौन सी गाइज, द्रविड़ शैली की बात हो रही है, और ग्वालियर का तेली मंदिर इसका आंसर है। आइए देखें, ग्वालियर के तेली मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि जो नक्काशियाँ और जो मूर्तियाँ हैं उत्तर भारतीय शैली में बनी हुई। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और जो है बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण मिलेगा, हिंदू और बौद्ध, ठीक है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। ओके, तो इसमें है कन्हेरी की गुफा, ठीक है। आइए देखते हैं थोड़ा इसके बारे में, ये नया है अभी हमने पढ़ा नहीं। ये भी कहा है गाइस महाराष्ट्र मुंबई शहर के जो है पश्चिमी क्षेत्र में बसे क्या है बोरीवली, बोरीवली आपने सुना होगा। तो उत्तर में कन्हेरी की गुफा स्थित है, 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, और जिसका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और इन गुफाओं का अधिकांश जो है बौद्ध मठ है,
ठीक है। गुफाओं में अधिकांश क्या है, बौद्ध मठ है, और गुफा जो है बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और जो है ध्यान के लिए बने हैं। किसकी बात हुई है गाइस, कन्हेरी की गुफा आपको कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में मिलेगी। फिर आबू का जो आपका जैन मंदिर है, हमने किसका बनाया, हमने देखा था कि संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। तो आबू का दिलवाड़ा का मतलब आबू के दिलवाड़ा का जैन मंदिर हमने कहा किसका बनाया है, संगमरमर का। इसका निर्माण किसने करवाया गाइस, गुजरात के चालुक्य सोलंकी जो शासक है आपके भीमदेव प्रथम के सामंत थे, जिनका नाम है आपका विमल शाह। गाइस ये भी सेम है वही जो हमने नोट्स में पढ़ा है, इसमें कुछ नया नहीं है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट जो है पालीताड़ा मंदिर, पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है, तो यह है भावनगर। गाइस भावनगर कहाँ है गाइस, गुजरात में, राइट। तो इसमें लिखा है पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर जो है गुजरात के भावनगर जिले के शत्रुंजय पहाड़ी पर अवस्थित है, और ये मंदिर जो है जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। किसको है, जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ, उनको समर्पित है। फिर लिखा है एलिफेंटा की गुफा मुख्यतः निम्न धर्मों के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई है, यानी कि हम बात कर रहे हैं एलिफेंटा की। तो एलिफेंटा लिखा है शैव धर्म, आइए देखते हैं इसके बारे में, हम वैसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें लिखा है एलिफेंटा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया है। सात गुफाओं की बात है, जिसमें से कुछ है हिंदू धर्म यानी कि शिव से संबंधित है, दो जो है आपकी बौद्ध गुफाएं हैं, ठीक है, और पांचवी छठी शताब्दी की बात है, और जो इसमें प्रसिद्ध मूर्ति या प्रतिमा है वो आपकी है त्रिमूर्ति शिव की। तो वही आंसर में है गाइस, क्या लिखा है यहाँ पे, बौद्ध धर्म है, शैव है, जैन है, वैश्य। तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट लिखने का त्रिमूर्ति शिव की बात कही गई है, तो इम्पॉर्टेंट है शिव के लिए है। फिर इसमें लिखा है एलिफेंटा के प्राचीनतम स्मारक हैं, ठीक है। फिर हम वही, तो इसमें हमने देखा हिंदू, हिंदू तो थे ही, ओके, इसमें आंसर है डी यानी कि 1 और 3, तो बौद्ध और शैव दो। फिर लिखा एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, यानी कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं किसने बनवाई थी, तो यह है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा जो है त्रिमूर्ति के लिए अभी विख्यात है, अभी हमने पढ़ा है एलिफेंटा की। फिर इसमें लिखा है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध है, इसमें से एक अजंता की गुफा में किया गया है, और जो दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है गाइस, बाघ की गुफा, ठीक है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, गुप्त काल से जो गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण है बाघ की गुफा है, जिसकी जो तिथि है गुप्तकालीन है, यानी कि दोनों अजंता की और बाघ की दोनों गुप्तकालीन है, हमने अभी पढ़ा था। तो इन गुफाओं के चित्र जो है लोक जीवन से संबंधित है, और अजंता गुफा के जो चित्र है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और लोमस ऋषि ऋषि गुफा रुकिए यहाँ पे है, देखिए और कौन कौन सी है, ये एक ये हो गई आपकी, ठीक है। हम बाघ की बात कर रहे हैं, पढ़ा भी एलोरा और नासिक, ठीक है। तो अब ये जो वाली गुफा है लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है, ठीक है, फिर जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, और बिहार के जहाँ नारा जिले में, ठीक है, जिले में है लोमस ऋषि गुफा। और फिर है नासिक गुफा आपकी सातवाहन काल की है, ठीक है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, और इसी एक वीडियो में करना आई थिंक पॉसिबल है नहीं, कितने 85 क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास, पूरे 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, और 50 क्वेश्चन करने में कुछ फ्रेंड्स आधा घंटा तो लग ही जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते रहेंगे हम धीरे धीरे इसी तरह से कंप्लीट करते रहेंगे, अपना सारा सारे चैप्टर्स अपनी पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम और भी सब्जेक्ट्स देखेंगे, और भी बुक्स की बात करेंगे, जैसे NCERT हो गई या और भी कोई रेफरेंस बुक होंगी हम उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।